बच्चों नीट की फिजिक्स में अक्सर ये वाले चैप्टर से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे एंड वो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, खास करके उसमें टॉपिक है डायमेंशन एंड फॉर्मूला। ऐसा इस क्वेश्चन को देखकर लगता है कि यार इसको सॉल्व करने जाएंगे तो एक पेज लग जाएगा, एंड द रियलिटी इज दैट हमेशा एक पेज लग जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से विदिन सेकंड आप इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए वो ट्रिक क्या है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन द पेपर, आप ये देखो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ईवी और टी, उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन चाहिए, सरफेस टेंशन के साथ। तो बेसिकली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं सरफेस टेंशन का जनरल फॉर्मूला टी बराबर एफ अपॉन एल। अब मैं इसमें एल से मल्टीप्लाई करता हूं, एल से डिवाइड भी कर देता हूं, ये एफ इंटू एल आपका एनर्जी बन गया विच इज अ काइंड ऑफ वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड नीचे आपका एल स्क्वायर हो गया। अब जरा सोचिए कि डिस्प्लेसमेंट या फिर लेंथ का रिलेशन वेलोसिटी और टाइम के साथ क्या है, बहुत ही सिंपल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी ई अपॉन में ये हो गया वी स्क्वायर एंड देन टी स्क्वायर। बस यहीं से देख करके आपको पता चल गया आपका आंसर क्या है, विच इज ई वी माइनस टू एंड देन टी माइनस टू, क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स इसी तरीके से बताते हैं एंड इट विल टेक यू टाइम। मजा आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फिजिक्स के ट्रिक्स को सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।